नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व महादलित के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बलदेव राम ने बेनीपुर विधायक अजय चौधरी पे लगाया है ब्राह्मणवाद का आरोप। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अमन हजारी का जमानत भी जब्त हो गया है। इस पूरे वीडियो को देखें और शेयर करें। बलदेव राम जदयू दरभंगा महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बलदेव राम जी, सुनने में आया कि आप उसे जो उप विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी उसमें समर्थन कर रहे हैं गणेश भारती का, राजद का, लेकिन आपकी पार्टी है जेडीयू, आप जेडीयू के महादलित के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और आप ही वर्तमान में परिवहन पदाधिकारी के सदस्य हैं, गणेश भारती क्यों, अमन हजारी क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात की है, दरभंगा जिला में जदयू पार्टी नहीं है, वो अजय चौधरी का ब्राह्मणवाद का पार्टी चल रहा है दरभंगा जिला। अच्छा, क्योंकि जदयू का मतलब है अति पिछड़ा महादलित। बिल्कुल। और अजय चौधरी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं तो दरभंगा जिला के पुराने कार्यकर्ता, चाहे महादलित समाज के हो, चाहे अति पिछड़ा समाज के हो, चाहे अखिलेश समाज के हो, उस सब लोगों को साइड कर दिए और बना लिए एक ब्राह्मणवाद, यानी कि भाई भतीजावाद की पार्टी अजय चौधरी बना लिए। और उसको लेकर उन्होंने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र क्या बात की है, तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में उनका अपना भतीजी अनुप्रिया, जो पूर्व विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थी, उन्होंने एक अपना प्रत्याशी अजय चौधरी के भतीजे अनुप्रिया भेज दे दिया था कुशेश्वर स्थान में। एक तरफ उनका भतीजी जो है एनडीए को हराने के काम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अजय चौधरी एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। तो अजय चौधरी कर रहे हैं ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, और कुशेश्वर स्थान क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणवाद की बात नहीं होगा, विकास की बात। अभी जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव, वो विकास के नाम पर होने जा रहा है। क्योंकि पूर्व में क्या था, पूर्व में अमन हजारी जी के स्वर्गीय पिता शशिभूषण हजारी, वो मेरे, हम जिस समय जदयू में थे, जदयू के अध्यक्ष थे, तो मेरे महादलित जदयू में वो अमन हजारी जी के पिताजी महासचिव मेरा बना करते थे, शशिभूषण हजारी महासचिव बना करते थे। जी हाँ, जब टिकट की बारी आया तो जदयू में जब टिकट में उनका नाम आया तो बहुत लंबा लिस्ट हो गया, 70 वो लिस्ट हो गया। तो इन्होंने बात हुआ अंदर की बात की, जदयू के इन लोग रहेगा और बीजेपी से के टिकट बटा लेंगे, तो वो शशिभूषण हजारी बीजेपी से चुनाव लड़ते हो, विधायक पहली बार बने थे। उस समय जदयू दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो महासचिव हुआ करते थे, समझिए। उनका दुर्भाग्य से मृत्यु हो गया। अब आइए इधर आकर, जब इससे पहले अशोक राम थे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में, थे यानी कि उनका राजनीतिक मृत्यु चुका, 5 बार जनता नकार दिया, और इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से शशिभूषण हजारी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आ गया चुनाव लड़ने, ठीक उसी तरह से जीवित होकर भी राजनीतिक मृत्यु, 5 बार हार देकर राजनेता का राजनीतिक मृत्यु हो गया, ये अपने पुत्र के भेजा दिए लूटने के लिए। ये दोनों ने जो आज़ादी के बाद से अभी तक मुद्दे हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का, जिसका सीधा परिणाम है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिम, भीतर गाँव गवे में जाइएगा तो 1 किलोमीटर भी पक्की सड़क नहीं है, जबकि बिहार में सभी जगह सभी पंचायत गली सब मिलता है, वहाँ विकास ना मिलता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आइए, कहीं हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, मवेशी का डॉक्टर है हॉस्पिटल है, तो मैंने विकास नाम पर कोई चीज ही नहीं है। बाढ़ के तो सुनिए कि बाढ़ आता है दरभंगा में, बिहार में आता है बाढ़, आपको भादो में आप कुशेश्वर स्थान में आ जाता है आपको वैशाख के, तो ये दोनों लूट लिया कुशेश्वर स्थान के, दोनों जो उम्मीदवार थे जिनका पिता थे, दोनों कुशेश्वर स्थान के लूट लिया। अब इधर आके मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव के, जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 57,000 मुसल समाज के रहते हुए कि 10-5 हज़ार 20 हज़ार वाले लोगों को टिकट देता था और उन्होंने पूछते थे कि हमको तो कुछ होने वाला लूट के रह जाते, इस बार माननीय लालू प्रसाद यादव मुसल के एक बेटा गणेश भारती को टिकट दिया है, जिस पर वहाँ विधानसभा क्षेत्र के लोग पूरा विश्वास के, चाहे वो सभी समाज के लोग पूरे विश्वास और आशा और विश्वास के साथ गणेश भारती के साथ है, और आने वाला समय में गणेश भारती अच्छा मत से कुशेश्वर स्थान क्षेत्र जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जीतने जाने की बात है, लेकिन आप अपने पार्टी का क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? पार्टी की बात, पार्टी अगर कुशेश्वर स्थान में लूट लिया
तो हम लुटनवा पार्टी में तो नहीं रहेंगे। आप तो विद्रोह कर रहे हैं फिर यानी अपनी पार्टी से? इसका मतलब विद्रोह, अगर पार्टी समानता है विद्रोह के बाद तो पार्टी विकास करने वाला है नहीं। विकास की बात नहीं, पार्टी के आदमी के जो कहता है जो विद्रोह कर रहे हैं वो आदमी को मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि आप कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में मेन रोड छोड़ कर गाँव में चलिए, जहाँ 2 किलोमीटर हमको बता दे, हॉस्पिटल में हमको डॉक्टर दिखा दे, हॉस्पिटल में दवाई दिखा दे, जनरल योजना जो माननीय नीतीश कुमार जी चला रहे जनरल योजना दिखा दे, कोई योजना दिखा दे। जहाँ तक इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, अब प्रधानमंत्री आवास योजना भी वहाँ नहीं मिला, तो क्या कहिएगा विकास से? नीतीश कुमार का मतलब क्या था विकास? नीतीश कुमार जो पहले डट रहे थे कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को हम जो है उत्थान करेंगे, और उस सिलसिला में उन्होंने काम किया कि महादलित बना दिया अनुसूचित जाति में, तो उसमें एक करेक्टेरिया था, महादलित में करेक्टेरिया था, सबसे अंतिम प्रधान में महादलित में मुसल समाज के लोग था। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मुसल समाज के कर दिया? यानी आप कहने का मतलब है कुशेश्वर विधानसभा चुनाव में वंशवाद चल रहा है? पूरा 100 है ना कि हाँ ये वंशवाद, तो बाप मर गया था बेटा मिले, बेटा मर गया था दादी की मिले, पोता की मिले, ये सब अब कुशेश्वर स्थान में राजनीति नहीं चलेगा। वहाँ की जनता मन बना लिया है कि विकास पर वोट देंगे, विकास पर राजनीति एकदम विकास पर वोट देंगे। यानी आप खुले तौर पर गणेश भारती का सपोर्ट कीजिएगा? 100% खुले तौर पर गणेश भारती के मैं समर्थन कर रहा हूँ, और जिताने का पूरा दावा भी करेंगे। गणेश भारती को किसी भी परिस्थिति में चुनाव जिता के हम लोग रहेंगे, वहाँ कोई परिस्थिति है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो जिले तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपने कुछ सोचा नहीं है? विनय चौधरी के खिलाफ करे, विनय चौधरी के खिलाफ करे, विनय चौधरी का भतीजी अनुप्रिया वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया है, मैं तो अपना भतीजा नहीं, उनकी भतीजी तो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा चुनाव में सब सीटों से लड़े, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में थे तो मुख्यमंत्री जी उन पर टिकट क्यों दिया? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी पार्टी विरोधी बेटा, जो जिसका भतीजी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो अब उसको जो है कि चाचा का टिकट मिल जाए, उसको जिसको बाबूजी के एमएलसी मुख्यमंत्री जी बनाया था पार्टी बनाया था उसका बेटी मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हो, तो सबसे पहले तो अजय चौधरी को पार्टी से निकालना चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी के गांधी परिवार में वरुण गांधी बीजेपी में चले गए, राहुल गांधी कांग्रेस में ही रह गए, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही परिवार के? राहुल गांधी परिवार दूसरा था, गांधी परिवार दूसरा था। अच्छा, गांधी परिवार जिस समय जो आज से नहीं बहुत पूर्व से ही वो गांधी परिवार से वो अलग है, वरुण गांधी जिस समय जीता है ये संजय गांधी हाँ। उस समय से उनका रहा अलग था, जिस अभी आरजेडी में आइएगा बड़ा रहा, दोनों भाई का थोड़ा थोड़ा अलग है, गलत नहीं है हाँ। आपको तेज प्रताप जी गलत लोग नहीं है, अच्छे लोग है हाँ। वो भी विकास की बात, तो सीधा मुख्य तौर पर विकास की बात करे, ये लोग भी कर रहे हैं, गांधी परिवार दूसरा था, ये तो गांधी परिवार के बहुत पीछे छोड़ दिया, बाप मर गया तो बेटा किस किस पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि अगर रामचंद्र पासवान मर जाएगा तो उसका प्रियंत पासवान को जो बलात्कार का विरोधी है उसको टिकट मिलेगा, ये किस संविधान में पार्टी के लिखा हुआ है, ये किस संविधान में लिखा हुआ है जिसका बाप का टिकट मिला उसके बेटी जो है कि पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाए, ये किस संविधान में लिखा हुआ है, किस संविधान में लिखा हुआ है कि जिसका भतीजी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो और उसका चाचा विधायक बनेगा, किस संविधान में लिखा हुआ है? ये तो जातिवाद कर रहा है लोग, जहाँ तक जातिवाद का, अब बिहार के एनडीए में महादलित के कौन लोग हैं? जीतन मांझी के निकाल दिया लात मार के लोगों ने, रमई राम के एनडीए के लोग लात मार के निकाल दिया, आपको बता दें श्याम रजक को निकाल दिया लात मार के, उदय नारायण चौधरी के लात मार के निकाल दिया, अब बिहार में तो अमन हजारी के नॉमिनेशन के वक्त सभा में मंच पे दलित महादलित ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज सभी थे, फिर कैसे अलग हो गए? ब्राह्मण समाज तो सिर्फ अजय चौधरी का जो गुरुआ है, जो अजय चौधरी का जो ग्रुप का लोग है, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो ब्राह्मण समाज बीजेपी में जाएगी जदयू में जाएंगे, अगर कल जदयू अगर बीजेपी से अलग जाता है वो ब्राह्मण चल जाएगा जदयू के साथ, एक ब्राह्मण नहीं रहेगा, अजय चौधरी सबसे पहले भाग जाएंगे जदयू, अगर बीजेपी से अलग जाए सबसे पहले अगर दरभंगा में कोई अगर भागने का काम करेगा तो अजय चौधरी भागने का काम करेगा, तो ब्राह्मणवाद का पार्टी कर दिया, आजादीवाद का पार्टी कर दिया, नीतीश कुमार में तो ब्राह्मणवाद है नहीं, ये आपकी पिछड़ा महादलित गरीब का पार्टी है जो कुशेश्वर स्थान पर सीधा उल्टा है जेडीयू, हाँ जदयू सीधा उल्टा है, जदयू कहीं जो मैंने जदयू के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र तो कहीं नामो निशान नहीं है, जो पासवान जाति के वोट थे आज जो है कि चिराग पासवान के साथ थे, पासवान जाति में लोग चिराग पासवान के साथ है, उसका जमानत नहीं बचेगा, जो एनडीए के उम्मीदवार आपको अमन आजादी है उसका कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जमानत नहीं बचेगा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पासवान की वोट जो है
चिराग के वोट को मिलेगा, चिराग के 100% चिराग के, मतलब 1% जो दलाल टाइप का खरीदार टाइप का लोग था वो आपको अमन हजारी के पास है। आज जो एक नंबर पासवान हुआ तो धन्यवाद देना चाहते हैं पासवान समाज के भी लोग, उन्होंने कम से कम जो दलित के लात मार के निकाला नीतीश कुमार, ये रामविलास स्वर्गीय रामविलास पासवान के मरने के बाद जो इस परिवार को जो इन्होंने लिए लोग जो दासा किया है लात मार दिया समझिए हो भगवान थे। आज देश में अगर हम लोग बोले अम्बेडकर के बाद दूसरी अम्बेडकर था बिहार भारत में तो अम्बेडकर ये थे आपको रामविलास जी थे मायावती थे, वैसे लोगों के लिए के लोगों ने तोड़ने का काम किया उस पर थे, जिसका सीधा परिणाम सरसों आसाम विधान परिषद के क्षेत्र का जितना पासवान समाज के लोग आज उनको कैंडिडेट के साथ लोजपा के साथ है, वही जदयू के साथ नहीं है। जदयू के साथ है जो अजय चौधरी के जो ब्राह्मणवाद जो जातिवाद जो रुवायत बनाया वो है उनके पास है, और नहीं तो कोई पासवाने में हो जो ठेकेदारी करता था उसको वो लोग है। टोटल पासवान पासवान का जो भी है वो रामविलास पासवान के साथ है, एनडीए के साथ कोई नहीं है, और जो गरीब जो विकास की बात करने वाला है चाहे वो बात करती है राम समाज के लोग हो, यादव समाज के लोग हो, मुसर समाज के लोग हो, मुसलमान समाज के लोग हो, सब आज के डेट में सबसे आसाम विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर गणेश भारती जी के साथ है। रहा बात अशोक राम के जिसका बात नहीं जीत पाया चार बार से, वो तो चमार के नाम पर कलंक है कुशेश्वर स्थान में, पूरा कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चमार के लोग हेड हिस्से से देखता था, आज कलंक साबित कर दिया है, कलंक होना है कुशेश्वर स्थान में विधानसभा क्षेत्र में चमार जाति के लोग गणेश भारती को वोट देना पड़ेगा जी। आपने तो मेरे चैनल के माध्यम से वहाँ के कुशेश्वर स्थान के विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अब ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के कि जाति पार्टी सब से उठ करके गणेश भारती जी गरीब का बेटा है, गरीब का नेता है, लालू यादव के आदमी है, आप लोग गणेश भारती जी अपना एक एक मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में सड़क बने, नाला बने, इंदिरा आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले, गली नली के काम हो, चाहे कोई हॉस्पिटल बने, वो भी विकास अगर चाहते हैं तो आप लोग हाथ जोड़ के प्रणाम आदाब सलाम करना चाहता हूँ कि आप लोग गणेश भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के आप लोग अपना मत दीजिए और आने वाला आपका भविष्य उज्जवल होगा, ये दलाल लोगों से हट के रहिए, यही मेरा अंतिम आग्रह है।